इलेक्शन से पहले परवेज खटक का कहना था मुझे किसी का बाप भी नहीं रोक सकता वजीर आला बनने से, इस पर आप क्या कहेंगे? परवेज खटक लौटा है, वो इससे पहले कई जमातों में घुस चुका है, वो पहले की पीटीआई के टिकट पे जीता था, अभी जीत के दिखाए वजीर आला, तो क्या इसको चपरासी की नौकरी लगा दो? किसी के ऊपर इसको चपरासी चाहिए तो इसको चपरासी भर्ती करवाओ, ये सियासत के काबिल नहीं है। पाकिस्तान में सियासतदानों का फुकदान है, नहीं तो ये मुल्क की हालत नहीं होती। इसीलिए तो इमरान खान को कामयाब नहीं होने दिया जा रहा है कि दो ताई अक्सरियत से ये आ गया, ये अपनी मनमानियां करेगा, आखिर एक ना एक दिन तुम्हारे ऊपर आएगा, जब ये जमीन थर थर धड़केगी, ये जमीन दर दर धड़केगी, जब आसमान से बिजली कड़केगी, जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे, अभी हमारे इंशाल्लाह मुल्क में वो चीज आने वाली है। अगर हमको टेढ़ी सीधी उंगली से घी नहीं दिया तो हम टेढ़ी उंगली से निकालेंगे। अवाम तैयार हो जाए, अवाम सड़कों पर निकले और अपने वोट का तहफ्फुज़ करे। पीटीआई तो खत्म हो चुकी है, उसके उम्मीदवार कहां जाएंगे और कहां जाना चाहिए उन्हें? पीटीआई ना तो खत्म हुई है और ना होगी।